हेलो एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर फर्स्ट न्यूमेरिकल मेथड लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था जिसमें हमने एल्जेबरिक और ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाइसेक्शन मेथड को यूज़ किया था अब उन्हीं इक्वेशन को हम रेगुलर फॉल्सी मेथड से सोल्व करेंगे लेट सी ये हमारे पास एक गिवन ग्राफ गिवन है एक ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ठीक है हमारे पास क्या है ये एक ए बी स्लोप है जो कि हमें लाइक का कंटिन्यूस फंक्शन दे रहा है अब हम देखेंगे कि इस ए को हम फंक्शन में पुट करेंगे अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और बी हमारा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो हम ए और बी को पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू मिल गई हमें तो हम पॉइंट में इन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद ए बी पे एक लाइन ले गए ए सी ठीक है ए सी लाइन ले तो ये एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं टच करेगी अब हम क्या करेंगे ए बी लाइन वह ए सी लाइन एक ही हो जाएगी हमारे पास जो ये जो ए बी ए सी लाइन है ये हमारे पास सी जीरो ज़ीरो है ये फंक्शन क्या है ए एफ ओफ पे और नीचे क्या है बी एफ ओफ बी बी क्या है हमारे पास ये हमारे पास ये बी हमारे पास डिस्टेंस है और फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ ओफ बी बाई कोऑर्डिनेटर पे है सबसे पहले हम ए स्लोप को निकालेंगे ए बी स्लोप को निकालने के लिए हम क्या करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए स्लोप स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो उसी से हम क्या निकालेंगे स्लोप ए भी निकालेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ बी माइनस ए इज इक्वल टू अब स्लोप ए सी निकालेंगे ए सी निकालेंगे तो क्या है एफ ओफ बी क्या है हमारे पास जीरो सॉरी सी क्या है जीरो तो जीरो माइनस एफ ऑफ ए एंड सी माइनस अपॉन सी माइनस ए ठीक है अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सी फाइंड आउट करना है तो सी माइनस ए इधर आ जाएगा और बी माइनस ए इधर आ जाएगा यहाँ से सी माइनस ए क्या आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ए को हम ही साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस ए अपोन एफ़ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा अब इसका एलसीएम ले लेंगे इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस ऑफ एफ ऑफ ए और बी माइनस ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस माइनस प्लस ए एफ ओफ ए यहाँ से एफ ऑफ ए और ए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे क्या बचेगा ए एफ ओफ़ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपोन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ये हमारे पास क्या आ जाएगी सी की वैल्यू ठीक है ऐसे हम यहाँ से रूट फाइंड आउट करेंगे इसका वर्किंग रूल क्या होता है वो देखो फर्स्टली हम क्या करेंगे फाइंड इंटरवल फाइंड आउट करेंगे इंटरवल फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो हमारे इंटरवल हो गए वो लेस देन जीरो हो गए उसके बाद क्या करेंगे सी में वैल्यू पुट करेंगे सी में वैल्यू पुट करेंगे फिर वो वैल्यू हमें या तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो हम फंक्शन क्या ले एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी और अगर नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो क्या लेगी एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी उसके बाद हम इस फंक्शन को रिपीट करते जाएंगे ठीक है लेट सी हमने अब हम एग्जाम्पल देखते हैं ये एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में बाइसेक्शन मेथड से किया था ठीक है अब हम इसी मेथड को रेगुलर फोलसी मेथड से करते हैं लेट्स सी एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास ये इक्वेशन है अब देखो इसमें इंटरवल फाइंड आउट करेंगे पहले टू पुट करके देखते हैं और फिर थ्री टू पुट किया तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और थ्री पुट किया तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी एक इंटरवल क्या हो जाएगा टू और थ्री और वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन पे माइनस थ्री और सिक्सटीन तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा इसको हम ए ले लेते हैं और इसको बी ए क्या है टू और बी क्या है थ्री एफ ऑफ ए फंक्शन में वैल्यू क्या है माइनस वन और एफ ऑफ बी फंक्शन में वैल्यू क्या है सिक्सटीन हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सी इज़ इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वैल्यू पुट करो ए क्या है टू एफ ऑफ बी क्या है सिक्सटीन माइनस बी क्या है थ्री और एफ ऑफ ए क्या है माइनस वन एफ ऑफ बी क्या है सिक्सटीन और एफ ऑफ ए क्या है माइनस वन सिक्सटीन माइनस माइनस वन इसको सॉल्व करोगे सिक्सटीन टू जै थर्टी टू प्लस प्लस माइनस माइनस थ्री वन जा थ्री अपोन सिक्सटीन प्लस माइनस माइनस वन ये क्या आ जाएगा थर्टी फाइव बाई सेवेंटीन इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा टू पॉइंट जीरो फाइव एट एट सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास दिस इसको फंक्शन में पुट करेंगे फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू देगा नेगेटिव अब देखो हमारे पास फंक्शन में वैल्यू दे रहा है नेगेटिव तो नेगेटिव वैल्यू तो ये लेगे और पॉजिटिव वैल्यू क्या लेगे बी की लेंगे अब सेकेंड रिटेशन निकालेंगे सेकेंड रिटेशन में हम नेगेटिव वैल्यू क्या लेंगे जो हमारी आई है हमारी नेगेटिव वैल्यू हमारी किस पे आई है नेगेटिव वैल्यू हमारी सी पॉइंट पे आई है इस पे तो ए क्या कर लेंगे इसको ले लेंगे और एफ ऑफ ए क्या लेंगे इसको ठीक है और बी हमारा पॉजिटिव जो फंक्शन होगा वो क्या होगा बी और एफ ऑफ बी फिर फंक्शन में पुट करेंगे सी इज इक्वल टू सिक्सटीन अपोन सिक्सटीन एफ ऑफ बी इंटू ए प्लस बी इंटू एफ ऑफ ए अपोन में बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वैल्यू पुट कर दी सारी फंक्शन इसमें सी में इसको सॉल्व करेंगे क्या आगा टू पॉइंट जीरो एट वन टू पॉजिटिव वैल्यू है मतलब सी हमारे पास क्या आया दिस इसको फंक्शन में पुट करेंगे फंक्शन में पुट किया क्या वैल्यू दे रहा है नेगेटिव अब देखो हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्या लेंगे ये वैल्यू लेंगे क्योंकि इस वाली वैल्यू से हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो अब ए इसको लेट कर लेंगे और एफ ऑफ ए इसको और पॉजिटिव फंक्शन सेम रहेगा पॉजिटिव अब इसको दोबारा इटरेशन में डालेंगे थर्ड इटरेशन सी में डालेंगे ए क्या है एफ ऑफ बी क्या है सिक्सटीन और ए क्या है टू पॉइंट जीरो एट वन टू प्लस बी क्या है थ्री एफ ऑफ ए क्या है दिस अपॉन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए सॉल्व करेंगे क्या आएगा टू पॉइंट जीरो एट नाइन सिक्स सी क्या आ गया दिस फंक्शन में वैल्यू डाली क्या आ गई नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू हमारे पास ये आई है तो ए क्या लेंगे हम इस वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू आई है हमारी तो ए क्या हो जाएगा दिस और एफ ओफ ए क्या होगा दिस पॉजिटिविटी फंक्शन क्या रहेगा वही रहेगा बी इज इक्वल टू थ्री और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू सिक्सटीन फिर सी में डाल लेंगे एफ ऑफ बी इंटू ए प्लस बी इन टू एफ ऑफ ए अपोन एफ ओफ़ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या आएगा ये वैल्यू आ गई हमारी या हमारे पास क्या हो जाएगा हैंस रिक्वायर्ड रूट ये हमारे पास क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड रूट अब ये रिक्वायर्ड रूट देखो आप हमारे पास एक रूट ये है टू पॉइंट ज़ीरो नाइन टू सेवन इस रूट को हमने कब स्टॉप किया है ये देखो जब हमारे पास ये पॉइंट रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे तब हम इसको क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे ठीक है तो ये हमारे पास हो गया अब हम एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं हमारी बुक का फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे वैल्यू पुट की हमने जीरो पुट की तो पॉजिटिव वैल्यू दी वन पुट किया तो नेगेटिव वैल्यू दी तो इंटरवल ये हो जाएगा ज़ीरो से वन तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालोगे इसमें आपका फंक्शन जो दे रखी है ये ये एक्स नोट और एक्स वन ले रखा है हमने क्या लिया था ए और बी या एफ ऑफ ए लिया था हमने या एफ ऑफ बी लिया था ठीक है अब देखो एक्स नोट क्या आएगा ज़ीरो और एक्स वन क्या आएगा वन एफ ऑफ एक्स नोट क्या आएगा ज़ीरो को पुट किया था हमने तो पॉजिटिव वैल्यू मिली थी पॉजिटिव वन हो जाएगी और वन को पुट किया था एफ ऑफ एक्स वन क्या आई थी वैल्यू नेगेटिव माइनस सेवन अब क्या था फॉर्मूला क्या था हमारे पास रेगुलर रेगुलर फोलसी मेथड का सी इज इक्वल टू क्या था सॉरी इसमें जो ये फॉर्मूला ले रखा है ये आपका ऊपर वाला ले रखा है कि ए माइनस एक्स नोट इसमें जो आपका फॉर्मूला एक्स वन इटरेशन पे ले रखा है वो इन्होंने डायरेक्ट ये ले रखा है जैसा कि मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में ये वाला इन्होंने ले रखा है ये वाला फंक्शन डायरेक्ट ठीक है इस फंक्शन को हमने इसमें डिफाइन कर लिया था तो हम अपनी वैल्यू इसमें पुट करेंगे ठीक है अगर इसमें भी पुट करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें हमारे पास क्या था सी था इधर या क्या था ए था माइनस यहाँ क्या था ए माइनस बी नीचे क्या था एफ ऑफ़ ए और एफ ऑफ़ बी इंटू में एफ ऑफ़ ए यही था हमारे पास फॉर्मूला यहाँ हम क्या करेंगे अब वैल्यू पुट करेंगे एक्स नोट क्या है जीरो माइनस एक्स वन क्या है वन एक्स नोट क्या है जीरो एफ ऑफ़ एक्स वन क्या है माइनस सेवन और एफ ऑफ फस नोट क्या है वन एफ ऑफ फैक्स नोट क्या है वन अब क्या करेंगे वैल्यू पुट की इसको सोल्व किया क्या वैल्यू दी जीरो पॉइंट वन टू फाइव इसको फंक्शन में पुट करेंगे फंक्शन क्या था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स प्लस वन इसमें पुट की हमने इसको क्या वैल्यू दे रहा है नेगेटिव अब देखो नेगेटिव वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से मिलेगी यहाँ से मिलेगी एक्स नोट से ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू ये दे रहा है फंक्शन में तो एक्स नॉट ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हम ये ले गए और नेगेटिव वैल्यू क्या ले गए जो हमने फाइंड आउट किया ये हमने नेगेटिव वैल्यू ली थी अब पॉजिटिव वैल्यू क्या ले गए ऊपर वाली ले गए सेम एज़ और उनके बीच में इंटरवल ये इंटरवल लेके रूट फाइंड आउट करेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन एक्स क्या हो जाएगा जीरो और एक्स वन क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट वन टू फाइव नेगेटिव हो गया और उसके बाद एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो पॉइंट वन टू थ्री जीरो पॉजिटिव फंक्शन हमने ऊपर वाला ले लिया और एक्स वन जो लिया है हमने ये नेगेटिव लिया है जो हमने ये फाइंड आउट किया था ये देखो ये नेगेटिव वैल्यू हमारी कब आती है जब हम जीरो पॉइंट वन टू फाइव फंक्शन में पुट करेंगे तो इसको हम क्या लेंगे एक्स वन और इसको एफ ऑफ एक्स वन ठीक है फॉर्मूले में पुट करेंगे ये फार्मूला था वैल्यू डाल दो सारी एक्स नोट ज़ीरो माइनस एक्स वन क्या है ज़ीरो पॉइंट वन टू फाइव एक्स नोट क्या है ज़ीरो एफ ऑफ एक्स वन क्या है माइनस ज़ीरो पॉइंट वन टू थ्री ज़ीरो माइनस एफ ऑफ एक्स नोट क्या है वन इन टू एफ ऑफ एक्स नोट क्या है वन सोल्व करेंगे क्या वैल्यू आएगी ज़ीरो पॉइंट वन 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 थ्री आएगी इसको फंक्शन में पुट करेगे क्या वैल्यू देगा नेगेटिव अब देखो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई हमारी अब हम इसको इटरेशन को यहाँ स्टॉप कर देंगे ये देखो यहाँ और पॉजिटिव किस पे थी जीरो पे पेन्स रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन इंटरवल और दिस इंटरवल के बीच में एंड द ऑफ द्री प्लेस डेमल ठीक है उसके बाद एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स लॉग टेन एक्स माइनस वन पॉइंट टू इज इक्वल टू जीरो एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स इंटू लोग टेन एक्स माइनस वन पॉइंट टू इज इक्वल टू जीरो बाई रेगुलर फॉलसी मेथड कोरेक्ट द फोर प्लेसिस ऑफ डेसीमल हमें फोर प्लेसेज तक फाइंड आउट करने हैं देखो फंक्शन क्या होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू पुट करेगे अगर जीरो पुट करते हैं तो भी नेगेटिव आएगी वन पुट करेगे तो भी नेगेटिव आएगी टू पुट करेंगे तो भी नेगेटिव तो तो आ रही है थ्री पुट करते हैं पुट करेगी तो क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी अब क्या लेंगे इन दो के बीच में हमें रूट फाइंड आउट करना है इंटरवल क्या हो जाएगा टू से थ्री तो देखो एक्स नोट क्या हो जाएगा टू और एक्स वन क्या हो जाएगा थ्री वैल्यू को फंक्शन में पुट किया क्या दी नेगेटिव वैल्यू एफ ओफ एक्स नोट और एफ ओफ एक्स वन क्या दी पॉजिटिव वैल्यू रेगुलर फॉलिसी मेथड क्या होता है एक्स वन फर्स्ट इट्रेशन इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एक्स वन माइनस एक्स नोट अपॉन एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ ऑफ एक्स नोट वैल्यू देगा अगर बेटा आप इस क्वेश्चन में जैसे कि आपके पास ये मेथड दिया हुआ है इस मेथड को आप इजीली अगर और इजी बनाना चाहते हो तो देखो अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे अगर इस एफ ओ फैक्स नोट को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड क्या बन जाएगा एफ ओ फैक्स नोट इंटू एक्स वन एफ माइनस एफ ओ फैक्स नोट इंटू एक्स नोट और एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई करोगे ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगी एफ ओ फैक्स वन इंटू एक्स नोट एफ ओ फैक्स नोट इंटू एक्स नोट यहाँ से एफ ओ फैक्स नोट और एक्स नोट ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म आएगी और ये पॉजिटिव तो यहाँ से ये एफ ओ फैक्स नोट कैंसिल हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला वही बन जाएगा जो मैंने ऊपर मेथड में आपको बताया था ठीक है उसको आप इसको वैसे वहाँ तक डिफाइन करके वो ईजली पड़ेगा आपको आप वो बना सकते हो इस मेथड का ठीक है तो यहाँ देखो आप वैल्यू पुट करोगे एक्स नोट क्या है आपके पास दिस टू माइनस एक्स वन क्या है थ्री एक्स नोट क्या है टू एफ ऑफ एक्स नोट और एक्स वन क्या है दिस वैल्यू पुट कर दी एक्स नोट दिस ठीक है इसको सोल्व करोगे ये आ गया सोल्व करके फंक्शन में डालोगे फंक्शन क्या था ये था फंक्शन एफ ऑफ थ्री इज फंक्शन क्या था हमारे पास एक्स लोग टेन एक्स माइनस वन पॉइंट टू वैल्यू डालोगे टू पॉइंट सेवन टू वन ठीक है सोल्व करोगे क्या देगा वैल्यू नेगेटिव अब नेगेटिव वैल्यू तो ये लेगे नेगेटिव फंक्शन और वैल्यू ये लेंगे ठीक है और पॉजिटिव थ्री और फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे ठीक है फिर सेकेंड रिट्रेशन निकालेंगे देखो एक्स नोट ये और एक्स वन पॉजिटिव वैल्यू एक्स फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और ये वाली पॉजिटिव डाल दोगे फो तो मेथड में डाल दी सॉल्व कर दोगे क्या आ जाएगा दिस अब इसको फंक्शन में पुट करोगे क्या वैल्यू देगा नेगेटिव अब देखो नेगेटिव फंक्शन तो ये ले लेंगे और वैल्यू ये ले लेंगे ले और पॉजिटिव क्या लेगे वही थ्री वाली ले लेंगे और एफ ऑफ थ्री वाली ले लेंगे फिर इटरेशन निकालेंगे देखो नेगेटिव वैल्यू ये ले ली और पॉजिटिव वही ले ली ठीक है फिर फंक्शन में डाली वैल्यू क्या दी ये दी वैल्यू अब देखो ये वाली वैल्यू और ये ऊपर सेकेंड इटरेशन में हमारी वैल्यू क्या है टू पॉइंट सेवन फोर जीरो टू और यह वैल्यू क्या है टू पॉइंट सेवन फोर जीरो सिक्स तो यह हम क्या करेंगे अपना इटरेशन स्टॉप कर देंगे ये थ्री फोर डेसिमल इन्होंने बोला था फोर डेसिमल हमारे हो गए टू पॉइंट फोर सेवन फोर जीरो सिक्स तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द रूट कॉरेक्ट टू दी टू दी फोर प्लेसिस ऑफ डेसीमल हैंड प्रूवड आप ये एग्जाम्पल कर लेना ट्राई करना अगर कोई डाउट आए तो टेल मी ओके थैंक यू